So good morning students, today we will start exercise 18a. So it means a chapter exponent, ठीक है? It is your chapter exponent chapter is here. Exponent and parts. So rules तो आपने दो वीडियो में देख ही लिए होंगे, है ना? तो फिर भी मैं आपको रूल जो है साइड पे लिखवा देता हूँ कि if the this is called base and power और base का सारी गेम है ये. The base and power, अगर ऐसे हो base same हो और power is different तो और वो multiply हो रहे हैं then power will be added, ठीक है? ये हो गया first rule. Second rule है अगर base same है और they are divided तो power minus हो जाएगी, ठीक है? और अगर power के ऊपर power है तो then they will multiply each other, easy है ना? अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट? पावर पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करो. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑफ द बेस एंड पावर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? फर्स्ट पार्ट है तो बेस कहते हैं इसको, 6 इज द बेस और पावर कितनी है ये 5. आंसर आ गया, ठीक है ना? सिमिलरली सेकंड पार्ट कर लो. सेकंड पार्ट में यू हैव गिवन -3^7, तो बेस हो गया -7. अगर माइनस है तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो. सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स देखो, ये आप खुद कर लो. सिक्स पार्ट देखो, सिक्स में है बच्चे ये, तो बेस में आपके 3×3 है, तो यू व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई, तो बेस आपका हो गया 9, पावर तो आपकी 5 ही रहेगी. अगर ऐसे केस में ना पावर दोनों के ऊपर जाएगी, ओके? अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है. सिमिलरली 7th और 8th आप खुद कर लो, ठीक है ना? इजी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखना है देखिए. एक्सपोनेंट का एक्चुअली बेनिफिट ही ये है कि अगर बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे में और वो सेम नंबर है, बेस सेम है, या उनका बेस सेम कर सकते हैं हम उनकी पावर बना के, तो हम कह सकते हैं कि उसको एक्सपोनेंट में लिख लो. जैसे कि 5 3 टाइम्स है तो हम उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इट मीन 5 का क्यूब रूट हमने किया ना, क्यूब रूट सॉरी डिग्री सेवन है. इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, 5 3 टाइम्स है तो उसकी पावर 3 हो जाएगी. दिस इज द रूल टू राइट ऑफ द नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट? नेक्स्ट यू पार्ट आपका -3 4 टाइम्स है तो हम लिखेंगे -3^4. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. सिमिलरली फिफ्थ पार्ट थर्ड पार्ट देख लो, चलो एक्स कितनी बारी है 1 2 3 4 5, तो एक्स 5 टाइम है तो इसकी पावर होगी एक्स की पावर 5, इजी है ना? फोर्थ पार्ट में बच्चे 5 2 टाइम है और a 3 टाइम है, तो इनको अलग अलग लिखोगे आप, क्योंकि ये बेस अलग है ये बेस अलग है. 5 2 बार आ रहा है, a 3 बार आ रहा है, तो ये ही आपका आंसर है, ये समझे? अगला फिफ्थ और सिक्स पार्ट आप खुद कर लो, ठीक है ना? अब ना थर्ड क्वेश्चन में क्या रखे, वो एक आपको नंबर गिवन है, यू हैव टू राइट इन दैट नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, हमें इनके लेटर्स को पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड देयर प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर याद रख लो, हम हमेशा प्राइम फैक्टर इनके फाइंड करेंगे. कोई भी नंबर आपको गिवन है यू विल फाइंड द प्राइम फैक्टर. तो प्राइम फैक्टर मतलब 2 पे तो जाता नहीं है, 3 पे जा रहा है गिवन, है ना? 27 आ गया, फिर 3 पे जा रहा है 9, देन 3 अगेन 3 अगेन. तो जब तक मान नहीं आता तब तक आपने रुकना नहीं है, यू हैव टू मूव. नाउ यू विल राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 81. 3 कितनी बार आ रहा है,
4 times. So you can write 3 raised to power 4. So हम 81 को ऐसे लिख सकते हैं exponent form में. It is 3 raised to power 4. Right? समझ गए ना? Easy है ना? Next part है बच्चे 1296. 1296. चलो इसको यहीं पे रहने दो. मैं side पे explain कर देता हूँ. तो बाकी पार्ट आप खुद ही कर लो. ऐसी बस इसके प्राइम फैक्टर करके सॉल्व कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चे, बस माइनस में है भाई. तो नो प्रॉब्लम. अब माइनस को निगलेक्ट कर दो कि आगे क्वेश्चन करते हैं. 1.8 के वेक्टर बनाओ. ठीक है, 1.8 के वेक्टर बनाओ. यहाँ पे देखकर आपको दिखने में प्रॉब्लम, मैं याद ही कर देता हूँ. 128 के फैक्टर 2 पे जा रहा है. 64 देन 2 अगेन, 32 देन 2 अगेन, 16 देन 2 अगेन, 8 देन 2 अगेन, 4 देन 2 अगेन. तो 128 के फैक्टर क्या क्या आ गए जो भी आई लिखो यहाँ पे. 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 टाइम्स 2 है. तो यू कैन राइट 2 रिस पावर 7. तो 128 को आप लिख सकते हो 2 रेस पावर 7. ये क्या आपकी आ गई, सॉरी ये माइनस में है ना. तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर लिखोगे और 2 की रेस पावर 7 ऐसे लिखोगे, क्योंकि ये वो माइनस 128 है उसका आंसर. तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे, माइनस बाहर 128 के फैक्टर आ गए 2 रेस पावर 7. राइट, इसी तरह बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हो. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट में बच्चे, 5th क्वेश्चन में सॉरी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट की बना में 7 रेज़ पावर 3. 7 रेज़ पावर 3 मींस यू कैन राइट इट एज 7 × 7 × 7. 3 बार मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343. तो ये आपका आंसर आ गया. हमने बस उसको सॉल्व करना है. मतलब अगर पावर 4 लिखा है तो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 5 टाइम लिखा है तो हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है ना, इजी है. तो ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो. नेक्स्ट 6th पार्ट में, सॉरी 6th क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ आपके लिए. -3 रेज़ पावर 5. अब ये माइनस अंदर है ना, तो हम क्या करेंगे, -3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना और मल्टीप्लाई इसलिए मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5. अब माइनस देखो, जो माइनस है वो और टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स है ना, तो आपका जो आंसर है वो तो माइनस नहीं आएगा. ये तो पक्की बात है. अगर इवन टाइम्स आए, अगर पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आएगा, अगर पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर माइनस है तो प्लस में भी करना. ठीक है, नाउ 3 को 5 टाइम्स करो, 3 = 9, 9 × 9 = 81, 81 × 3, 81 × 3 ये हो गया आपका 243. तो ये आपका आंसर आ गया. इजी है ना. Now let us discuss 7th question. 7th question में हमने 2187 के 3 की फॉर्म में मतलब एक्सपोनेंट बनाना है. 9 की फॉर्म में भी बन सकता है, हो सकता है 81 की फॉर्म में भी बनता हो, बट वी हैव टू शो ओनली इन द पावर ऑफ 3, 2187. तो हमने इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमने इसके फैक्टर बनाने हैं जिसमें सिर्फ 3 जाए. तो प्राइम फैक्टर 3 पे जाएगा, पक्की बात है. 7 2 9, अब 3 पे जाएगा ये 2 4 3, देन 3 अगेन 81 3 अगेन 3 अगेन 3 अगेन 3 अगेन. तो कितनी बार 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम आ गया. तो सी क्या, फिर तो लिख दो 2187 = 3
3^7। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि उसने बोला था ना इसको 3 की पावर में लिखो, तो हमने इसको 3 की पावर में लिख दिया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर, टू बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ 2187। यही हो गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कंपैरिजन किया कि विच वन इज ग्रेटर। कंपैरिजन में बटे वी हैव टू टेल कि विच वन इज ग्रेटर। 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है 2^3 और 3^2, तो उसके लिए कंपैरिजन हमने डायरेक्ट नहीं करना, यू हैव टू शो इट प्रॉपरली। 2^3 मींस 2 को 3 पर ही मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना है 2^4, 4^8। नेक्स्ट करते हैं 3^2 मीन 3×3, इसका आंसर कितना है 9। अब हमें क्लियर है विच इज ग्रेटर, 3^2 इज ग्रेटर देन 2^3। ओके, तो आपने डायरेक्ट नहीं करना इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दीज स्टेप्स, उनको सॉल्व करके जो आंसर आया देन यू हैव टू शो कि विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। तो बाकी पार्ट्स आप खुद करो, लास्ट पार्ट में आपसे डिस्कस कर देता हूँ। सॉरी, ये 8th क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन को आप खुद ही करो, 9th पार्ट भी 9th पार्ट करते हैं। सो 9th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन में सेम है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, बस हमने इनको सॉल्व करके इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 3^4 एंड 4^3, इनको सॉल्व करके इनका डिफरेंस बताना है, इनको माइनस करना है। माइनस हमें पता ही है लार्जर माइनस स्मॉलर होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3^4 मीन 9×9=81, 4^3 मीन 4×4×4, 4×4=16, 16×4=64, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस में 81 - 64, नेचुरल हम पहले ये लिखेंगे लार्जर वाला, ठीक है। तो ये आ गया 64, तो ये आ गया 17। ओके, देख लेते हैं 7+4=11, ठीक है 17 आ गया। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड द अदर पार्ट्स। मैं आपसे लास्ट पार्ट डिस्कस कर देता हूँ, 4th पार्ट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, 4th पार्ट में यू हैव गिवन -1^38 एंड -1^51, तो अब इनकी वैल्यू क्या होगी। 38 मतलब कि -1 38 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये पावर कितनी है, इवन है ना, इवन इवन मतलब कि -1 - +1 बन जाएगा। तो जब भी पावर इवन होती है तो उसका आंसर प्लस में होता है, पहले भी बताया था ना, तो इसका आंसर आएगा +1। बाद में जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया +1। और जो पावर सेकंड वाले की पावर क्या है, ऑड, ऑड का जो मतलब आंसर क्या आएगा माइनस में, क्योंकि पावर ऑड है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो एंड में एक माइनस बन जाएगा, तो पावर ऑड है इसलिए आंसर -1 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, जो लार्जर है वो आप पहले लिखेंगे और स्मॉलर बाद में। स्मॉलर कौन सा -1, लार्जर कौन सा +1, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट का यूज किया क्योंकि यहाँ को माइनस है, तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये प्लस बन जाएगा। 1+1 कितना हुआ 2। वैसे भी आप नंबर लाइन में देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, तो ये कितना डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है ना, 2 यूनिट का। इंटीजर आपने किया ना चैप्टर, तो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस 10th क्वेश्चन। ये भी सेम है बच्चे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ये 10th क्वेश्चन मतलब सेम है उस जैसा ही है जैसा प्राइम फैक्टर बनाने थे ना, जिसमें 4th जैसा ही है, 3rd 4th जैसा, तो ये सेम है।
prime factor बनाने हैं, we have to product of powers in prime factors. 96 के अब ये उसमें तो number same आता था, अब इसमें different भी आ सकता है. उसमें सिर्फ एक ही number आता था या 3 या 2, इसमें देखते हैं, इसमें different different number आएंगे पक्का. तो ये आ गया 48, और ये आ गया 24, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 3, अब ये 3 आ गया, इसे डिफरेंट आ गया ना. सो 96 के फैक्टर बने 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 टाइम्स, तो 3 है 1 टाइम. तो इसको ऐसे लिखना है, जो जितना जो फैक्टर जितनी बार आया उसकी उतनी पावर, और अगला फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो कितनी बार आएगा उसकी उतनी पावर. राइट, इजी है. इस तरह बाकी पार्ट्स आप खुद करो. 11 में कुछ नहीं है, 11 में बस हमने सॉल्व करना है. 11 क्वेश्चन भी इजी है, 11 क्वेश्चन बस हमने सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या है. सिंपली सिंपलीफाई करना है हमने. तो 11 क्वेश्चन है हमारा 4 × 10^2. ये 10 की पावर है, गिवन है, सिंपलीफाई करना है बस. ठीक है फिर, तो इसको 4 का तो 4 ही रहेगा, 10 की पावर तो मतलब 10 × 10 मतलब 100, या अगर 4 × 100 मतलब 400 आंसर आ गया आपका. इजी है. कोई और पार्ट देखते हैं, चलो सेकंड पार्ट ही कर लो. सेकंड पार्ट में क्या है, 2^2 3^4. 2^2 मीन 2 × 2 टाइम, जब बस जैसे इसको एक्सपैंड कर दो पावर्स को और मल्टीप्लाई कर दो. 2 × 4 3 × 9 9 9 9 81 81 × 4 324. तो हो गया, बस इसको सॉल्व करना आपने. 12th क्वेश्चन भी यही है, सॉल्व करना है बस, माइनस उसमें माइनस आ गए, सेम ही है. ओके, अब 13 में भी सॉल्व करना है, पर फिर भी मैं 13 एक्सप्लेन कर देता हूँ. राइट, सो बच्चे 13th क्वेश्चन, यू हैव गिवन दिस, जस्ट एक्सपैंड दिस. 5 × 5 7 × 2 टाइम्स है. अब माइनस 1 की पावर है 22 जो कि इवन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस 1, क्योंकि इवन है ना पावर, तो आंसर आएगा प्लस 1. तो ये तो चलो मेरी लकी कर दो जाए. अब 5 × 5 1 2 5 7 × 7 49, और ये तो 1 नहीं है, प्लस 1 मीन 1. अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 49 × 25 यू विल गेट द आंसर. ठीक है, इजी है. नेक्स्ट पार्ट बच्चे आप खुद ट्राई करो, एक क्वेश्चन कराता हूँ. फिफ्थ पार्ट में प्लस है ना, इसलिए करवा. तो स्टूडेंट इन नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट यू हैव गिवन −7 × 4 + −3 × 7. सो 4 पावर मीन इसको 4 बार ही मल्टीप्लाई करो, और बीच में प्लस है तो प्लस, इसको 7 टाइम में मल्टीप्लाई करो. 1 2 3 4 5 6 7 7. ठीक है, अब ये 3 टाइम्स है, ऑड है तो माइनस आएगा, सॉरी 4 टाइम्स है तो प्लस आएगा. 7 × 7 = 49, 49 × 49 करते हैं, ये एक ग्रुप में आ गया. अब यहाँ पे माइनस कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम, तो 7 टाइम्स मतलब आंसर माइनस में आएगा. 3 को 7 टाइम्स अब किया था ना पिछला क्वेश्चन, मेरे ख्याल ये था क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन था 2187, इसकी इसका आंसर था ना 3^7, तो इसका मतलब 3^7 का आंसर है 2187. इसको मल्टीप्लाई कर दो, 49 × 49 हो गया आपका 2401 − 2187. बस बीच में प्लस माइनस आ गया तो हम इसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. इजी है. अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट पार्ट जिसमें यू हैव गिवन डिवाइड
13 का लास्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें डिवाइड है। तो डिवाइड में डिवाइड करने वाला सिंपल है, ये है 13 का 8th पार्ट। क्वेश्चन है -7 is power 4 डिवाइडेड बाय -7। डिवाइडेड है तो डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम। जैसे हम डिवाइड करते हैं, 4 times है तो 4 times कर दो, मैं डिवाइडेड बाय -7, तो ये एक कट गया, है ना, इजी है। डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, जो बच गया उसका आंसर लिख दो। -3 times है तो -7 into 7 into 7 343 सर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट 14th भी सिंपल है, यू हैव टू कंपेयर। कंपेयर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को सॉल्व कर दो, जो लार्जर है उसको लार्जर लिख दो, जो स्मॉलर है उसको स्मॉलर लिख दो, बस सिंपल है ना। तो कंपेयर 3 point है, 14th क्वेश्चन आपका 3.6 into 10 is power 2, ठीक है, और दूसरा है 2.98, दूसरी साइड लिख रहा हूँ ना, 2 times power 5। अब देखते हैं इन दोनों में से कंपेयर करना है हमने कौन सा लार्जर है। सो 3.6 into 100 हो गया, 10 power 2 means 100, इसको मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 360। और राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करो, 2.98 into 10 power 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1 lakh हो गया। तो 1 lakh से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 2980 क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्लियर है दैट इज लार्जर, तो इसको लिख दो 3.6 into 10 power 2 is smaller than 2.98 into 10 power 5, तो दिस इज योर आंसर, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके 15th क्वेश्चन, चलो रेज कर देता हूँ मैं। सो स्टूडेंट 15th क्वेश्चन क्या है, यू 5 raised to power कुछ है मतलब y है, पता नहीं कितनी है, एंड इट इज इक्वल टू 625, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 की पावर ले, ये तो ऑलरेडी 5 की पावर में ही है, 625 से फैक्टर बनाओ 5 की पावर में, क्योंकि हमें बेस 5 चाहिए, इसको मैंने फैक्टर बनाए हैं, ये बन गया आर में आंसर यूज़ है ना, तो ये आ गया 5 की पावर 4 आ गया। अब देखो दोनों तरफ बेस इक्वल है, सेंटर में इक्वल टू साइन है, इट मीन तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पार पास यू विल गेट वाई इक्वल टू 5, इजी है ना। सेकंड पार्ट आप खुद कर लो, सेम है। सो थैंक यू, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू।